नमस्कार, आज हम आपको एक ऐसी सत्य घटना पर आधारित कहानी सुनाएंगे जिसमें भगवान के सामने की गई दृढ़ प्रतिज्ञा से नामुमकिन लगने वाला कार्य मुमकिन हो गया और किस तरीके से आप एक नहीं किए जाने वाले कार्य को जिसे आप कर रहे होते हैं और आपको पता होता है कि वह गलत है और सच्चे मन से उसका त्याग करने का आप भगवान के आगे प्रतिज्ञा करते हैं और किसी कार्य को उसके बदले में भगवान से पूरा करने को कहते हैं, तो आपकी सच्ची प्रतिज्ञा को, आपकी सच्ची सोच को, आपके स्वच्छ मन को किस तरह से भगवान जान जाते हैं और आपकी मुराद पूरी हो जाती है, इसी का एक जीता जागता उदाहरण हम आपके सामने एक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, जिसे लिखा है राजर्षि डॉक्टर कुंवर घनश्याम नारायण सिंह श्याम जी ने। आइए उन्हीं की भाषा में शुरू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप बड़े ही आसानी से कुंडली बनाना, फलादेश करना, मैरिज मैचिंग करना, मुहूर्त देखना, पंचांग देखना, यानी ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा पेन ड्राइव कोर्स मंगा कर घर बैठे बड़े ही आसानी से ज्योतिष सीख सकते हैं। और यदि आप पंचांग, कोई भी ज्योतिष की किताब, कोई भी कर्मकांड की किताब आदि घर बैठे मंगाना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पे संपर्क अवश्य कीजिए। कुंवर घनश्याम नारायण जी के शब्द। मेरी आयु उस समय लगभग 19 वर्ष की रही होगी। 1932 ईस्वी की बात है। मेरी दादी श्रीमती चुन्ना कुंवरी, जिनकी आयु लगभग 75 वर्ष की होगी, अधिक बीमार हो गई। उनकी चिकित्सा मेरे गुरु आयुर्वेदाचार्य पंडित मूलचंद्र जी शास्त्री राजवैद्य निवासी गोला गोकर्ण नाथ जी कर रहे थे। चिकित्सा करते गुरु जी को लगभग 7-8 दिन हो गए, किंतु लाभ की अपेक्षा हानि ही होती गई। हताश होकर गुरु जी ने मेरी माता से और मुझसे कहा कि इनका बचना असंभव है, औषधि से कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है, भगवान ही रक्षक है, इसलिए इनका मन जिन जिन को देखने मिलने का हो उन्हें दिखा दो। यह सुनकर मुझे अत्यंत दुख हुआ, किंतु धैर्य धारण करके मैं शुद्ध चित्त से देवालय में गया और वहां भगवान श्री राधा कृष्ण जी के सामने मैंने यह प्रतिज्ञा की कि यदि अशुभ चीजों के त्याग से आप प्रसन्न होते हैं, तो मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि मेरी दादी स्वस्थ हो जाए तो आज से मांस मछली खाना छोड़ता हूं और अपने बाजार में भी मांस मछली नहीं बिकने दूंगा। मैं घर लौट आया और उसी शाम से मेरी दादी का त्रिदोष ज्वर कम होने लगा। एक सप्ताह में वे एकदम ठीक हो गईं। गुरुजी ने कहा कि अब तो बिना औषधि दिए भी रोगी की दशा ठीक है। तब से मैं इस प्रतिज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करता चला आ रहा हूँ। मैंने इतिहास में पढ़ा था कि राणा सांगा पर विजय प्राप्त करने हेतु बाबर ने नमाज पढ़ते समय खुदा से यह प्रार्थना की कि यदि मैं राणा सांगा पर विजय प्राप्त कर लूं, तो मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। और बाबर राणा सांगा पर विजयी हुआ। इतिहास की इस स्मृति ने मुझे मांस मछली त्याग के लिए प्रेरित किया। जी हाँ, ये थी डॉक्टर कुंवर घनश्याम नारायण सिंह जी के ऊपर बीती आप बीती घटना। आपको इससे प्रेरणा लेना चाहिए और आप अपने जीवन में कुछ ऐसा कर रहे हो जो उचित नहीं है, जिन्हें नहीं करना चाहिए, तो कृपया उसे छोड़ दीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, अपनी मुराद मांगिए। प्रभु परम पिता परमेश्वर आपकी मुराद जरूर पूरा करेंगे। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ऐसी ही प्रेरणाप्रद कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।